हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा नाज़दीन। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो देखिए, आज मैं आपके लिए न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। ये है हमारी छोटी वाली फिश। ये बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैंने इनको, ये मेरी है हमारी 1 किलो फिश है, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है एंड इनमें हल्दी एंड सॉल्ट डाल दिया है 1 स्पून। और इसको मिला के मिक्स करके हैंड से इस तरीके से और 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था। उसके बाद में मेरा ऑयल गर्म हो चुका है एक तरफ कढ़ाई में, तो और ये सिकी हुई है तो मैं इसको सेक लेती हूँ। गाइस इस तरीके से हम इसको सेक लेंगे। हमें इसको ये ध्यान रखना है कि हमें डालने के बाद ही फटाफट से चला देना है। इसे हमें खुलते ही सीखना है, गैस को हमको खुलते ही रखना है। देखिए देखिए, इस तरीके से ही सारी हमारी सीख चुकी है। और इसको खाने में बहुत ही यम्मी, बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस तरीके से सीखी हुई भी खा सकते हैं चटनी के साथ में, ऑनियन प्याज साथ में, सैलड के साथ में, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो और ये बहुत ही ताकतवर होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन से भरी होती है ये। तो बाकी इसका मसाला मैंने इसमें रखा हुआ है। इसमें हमारा लहसुन है, अदरक है। देखिए ये लहसुन है, इसमें अदरक है मेरा, इसमें सरसों है। तो मैं अपने जो मसाले होते हैं सारे छील के उनको पीस के रख लेती हूँ, फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ, ताकि वो हमें कुछ भी बनाना होता है तो जल्दी से झटपट से बन जाता है। एंड देखिए, ये हमारी फिश सीख चुकी है, इस तरीके से क्रिस्पी क्रिस्पी हो चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे। और गाइस, एक तरफ मेरे कपड़े वॉश हो रहे हैं मशीन में एंड एक तरफ मेरा एडजस्ट फैन चल रहा है, तो थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी, आप उसको अवॉइड करना, क्योंकि सब में फिश बना रही है तो ऑयली धुआं सा हो गया है, तो इसलिए एडजस्ट फैन ऑन किया हुआ है। तो इसको मैं इसी तरीके से सारे अपनी जो फिश फ्राई है, देखिए इस तरीके से मैं सारी सेक लेती हूँ, फिर आप सब में शेयर करूँगी। ये हमारी विदाउट सिकी हुई है, तो इसे देखिए आप देख पा रहे हैं कितनी प्यारी लग रही है। भाई जब आपको फिश देखनी है, फ्राई करनी है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो हमारी फिश है उसको गैस के लिए खुल कर रखना है और डालते ही एक बार चला देना है, नहीं तो वो चिपक जाएगी और खींचती खींचती लगी होंगी हमारी। देखिए इस तरह से हमें सेकना है। ये देखिए हमारा ऑयल, मैंने अभी फिश सारी सेक के निकाल ली है गाइस। अब हम जितना और बचा हुआ है हमारा, उसमें मैंने मेथी ऐड कर दिया। और ये है मेरी सरसों पीसी हुई, तो अब मैं इसे ऐड कर दूंगी 1 स्पून सरसों इसके अंदर। सरसों हम थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी, इसके बाद लहसुन अदरक का ऑनियन का पेस्ट ऐड कर देंगे। देखिए मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया और ये ऐड कर दी थोड़ी सी, इसमें ऑनियन कम पड़ती है, इसमें हम फ्राई कर लेंगे। इसमें मैंने कुछ मसाला ऐड करेंगे, सॉल्ट हम थोड़ा ही ऐड करेंगे क्योंकि सॉल्ट हम डाल चुके हैं फिश फ्राई करने में। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी एंड थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। वाटर ऐड कर देंगे। देखिए मैंने इसमें 3 टमाटो कट कर लिए हैं और हमारा मसाला बहुत अच्छा था और फ्लेवर इसमें आ गया है, बहुत अच्छी फ्राई हो गया है। देखिए मसाला अलग हो रहा है और ऑयल अलग हो चुका है। तो इसी बीच में अब इसको हम ऐड कर देंगे टमाटो में, वही करना है सुबह सुबह हमें इसे जो टमाटो फ्राई कर लेना चाहिए। हमें इसको 5 मिनट के भटके लो से पकाएंगे ताकि मैं जो टमाटो है मैच अच्छे से हो जाए, इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाए, मसाला अलग अच्छे हो जाए, ऑयल अलग हो जाए, अच्छे से हमारा फ्राई करके भुन जाने के लिए। तो हम लोग गैस के लिए लो से कर देते हैं और इसे ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। ये देखिए गाइस, हमारे जो टमाटो थे खूब अच्छे से मैश हो गए मसाले के अंदर। अब इसे हमें अच्छे से खूब अच्छे से भूनना है ताकि हमारा मसाला और ऑयल अलग अलग हो जाए। ये देखिए सी अलग भी हो रहा है। और एक तरफ गाइस मेरे कपड़े वॉश हो रहे हैं, मशीन चल रही है, तो आप उस आवाज़ को अवॉइड करना एंड
कपड़े भी वॉश करना ज़रूरी है। बाकी देखिए मेरी ये फिश जो थी वो सारी फ्राई हो चुकी है। अब जो हमारे टमाटो अच्छे से मसाला भुन जाएगा तो हमें अपनी फिश इसी में ही ऐड कर देना है और एक दूसरे में मिक्स कर देना है ताकि जो हमारी फ़िश के अंदर है मसाला अच्छे से ऑब्जॉर्व हो जाए दो तीन मिनट के लिए। फिर इसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। तो देखिए मैंने फिश ऐड कर दी है, अच्छे से हमारा मसाला एक दूसरे ऑब्जॉर्व हो जाए। इसके बाद इसमें वाटर ऐड करेंगे आधा ग्लास। ये देखिए मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया है। अब इसमें 5 मिनट के लिए पकाना है सिर पर ढक के। उसमें हमारी फिश फ्राई फिश करी बन के रेडी होगी। फिर मैं सर्व करूँगी आप सबसे। मेरा शरोरा है, मैं उसे फीड करने जा रही हूँ। ये देखिए अब जो हमारी फिश थी कितनी अच्छे से फ्लफी हो गई, एकदम फूल गई हैं। देखिए अच्छे से हमारी पक चुकी है फिश हमारी। देखिए अगर आप इनको इतने ही ग्रेवी इसकी रखनी चाहते हैं तो आप इसकी इतनी ही रख सकते हैं, या आप इसको और भी पटका सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। अब इसको हम, ये हमारी फिश बन के रेडी है। अब इसे फिश की ग्रेवी बन के रेडी है फिश करी। तो अब इसे हम फूल पे थोड़ा सा पका लेंगे, भून लेंगे अच्छे से। उस वक्त मैं सर्व करूँगी आपके साथ में। देखिए गाइस हमारी जो फिश करी थी वो बन के रेडी है। देखिए कितनी यम्मी कितनी टेस्टी बनी हुई है। सी ये जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी खाने में भी बहुत यम्मी टेस्टी लगती है। एंड ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन से भरी होती है। यस मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि आप लोग को छोटी वाली फ़िश अच्छी लगती है या नहीं लगती है, या खाने में कैसी लगती है। और जिस तरह से मैंने बनाई है उस तरह से आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद बताना कि मेरे फ़िश फ्राई आपको कैसी लगी। ऐसी मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपको लेके आती हूँ गाइस। तो ओके गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो ओके गाइस, बाय बाय।